पुलिस का डर पंजाब से, वर्दी का जो डर होता था, कहीं खौफ था जो पुलिस की वर्दी देख के, पंजाब पुलिस की वर्दी देख के गैंगस्टर जो गलत लोग थे वो डरते थे, आज वो डर उठ गया है। कोई ऐसी दुर्घटना उत्तर प्रदेश और बिहार में बता दीजिए कि जिसमें जिसके पास पुलिस कर्मचारी हो उसको गोली मार के लोग चले गए, ऐसी मेरे को दुर्घटना नहीं। हाँ, क्राइम रेट होगा क्योंकि बड़े स्टेट है। पंजाबी मान सम्मान में किसी की कमी नहीं छोड़ते। पंजाबी अगर दुश्मन भी कर रहा है, ये तो राहुल गांधी आ रहा है, ये तो वो परिवार आ रहा है जिन्होंने हमेशा सिखों के साथ खड़े रहे। गया और केवल इस्तीफे नाल गल नहीं बनेगी। और नहीं नहीं, केवल इस्तीफे नाल गल नहीं बनेगी। हम इस्तीफे से क्यों खुश हैं? हमारे बहुत से लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया, बिना सबूत के अंदर कर दिया। तो ये मंशा थी पंजाब सरकार की, वो ये हमेशा कहते थे कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की जो तुलना है वो उत्तर प्रदेश से करते थे और बिहार से करते थे। आज तो मेरा ख्याल उत्तर प्रदेश और बिहार में किसी पुलिस वाले को मारा नहीं जा रहा। दिन दिहाड़े पूरे दिन में किस प्रकार से एक जो गैंगस्टर है वो पुलिस को मार के चले जाते हो, ये पहली दुर्घटना नहीं है। इससे पहले भी हमारे लोग जैतो में ऐसी घटना हुई, नकोदर में ऐसी घटना हुई, और जिनके पास सिक्योरिटी है जानी उनको मारा गया। जानी की कहने का मतलब ये है कि पुलिस का डर पंजाब से, वर्दी का जो डर होता था, कहीं खौफ था जो पुलिस की वर्दी देख के, पंजाब पुलिस की वर्दी देख के गैंगस्टर जो गलत लोग थे वो डरते थे, आज वो डर उठ गया है। मेरे को लगता है कि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो एक दिन पुलिस से कंट्रोल नहीं होगा। तो मेरी दोबारा फिर मेरी गुजारिश है आदरणीय मुख्यमंत्री से और पंजाब के डीजीपी से, काइंडली अपनी पंजाब पुलिस को आकर उनकी पीठ पे खड़े हों और उनको बताएं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने टेररिज्म के समय आपने वो समय कंट्रोल किया था, ये वही समय बनता जा रहा है। आओ आगे बढ़कर हम लड़ाई लड़े और इन 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 जो तमाम चीज़ों को इनको इनको पकड़े। लेकिन सर, जो पंजाब पुलिस दावा करती है कि हमारा तो क्राइम रेट बहुत कम है, बाकी राज्यों से तुलना करें तो, बड़े राज्यों की वो बात कर, मैं तो कह रहा हूँ कि तुलना अब फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश बिहार में कोई दुर्घटना बता दीजिए कि 3 महीनों में 4 कांस्टेबल मारे गए, बता दीजिए। कोई ऐसी दुर्घटना उत्तर प्रदेश और बिहार में बता दीजिए कि जिसमें जिसके पास पुलिस कर्मचारी हो उसको गोली मार के लोग चले गए, ऐसी मेरे को दुर्घटना नहीं। हाँ, क्राइम रेट होगा क्योंकि बड़े स्टेट है, हमारा छोटा सा स्टेट है, हमारी 117 विधानसभा है, वहाँ पर 400 विधानसभा है, 250 के करीब बिहार में है। उसकी तुलना जब करोगे, उनके राज्य बड़ा है, उनके डिस्ट्रिक्ट्स बड़े हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में क्राइम भी होगा, अगर वैसे तुलना कर लें राज्य के हिसाब से, तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा ज़्यादा क्राइम पंजाब के अंदर होगा। अब हिमाचल के अंदर आप क्राइम की, हिमाचल कहे कि उत्तर प्रदेश से क्राइम की तुलना कर लो, इतना सा राज्य है 70 सीट वाला, छोटे से राज्य में इतना वो क्राइम, तो मैं समझता हूँ कि ये सोचने वाली और गंभीरता की बात है। भारत छोड़ो यात्रा को लेकर है राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, खास और पंजाब पुलिस से जुड़े, देखो मेरे को पंजाबियों के ऊपर पूरा गर्व। पंजाबी मान सम्मान में किसी की कमी नहीं छोड़ते। पंजाबी अगर दुश्मन भी कर रहा है, ये तो राहुल गांधी आ रहा है, ये तो वो परिवार आ रहा है जिन्होंने हमेशा सिखों के साथ खड़े रहे, चाहे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी की बात कर लें, चाहे ज्ञानी जैल सिंह जी की पहले देश के राष्ट्रपति की बात कर लें, लेकिन मेहमान नवाजी में पंजाब के लोग माने जाते हैं। चाहे किसी को अच्छा कोई लगता हो, चाहे कोई अच्छा ना लगता हो, जब राहुल गांधी पंजाब में दाखिल होंगे, मेरे को लगता है कि तमाम पंजाबी उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। और जब तक वो ये स्टेट चले नहीं आते, तो उनका सारी सिक्योरिटी का जो मसला है, सरकारों का तो चलो उन्होंने प्रोटोकॉल में जो करना है, इज़ अ जेड प्लस सिक्योरिटी उसमें है, लेकिन मेरे को लगता है कि हर पंजाबी का ये रहता है कि नहीं, मेरे प्रदेश में आया, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लिंग साहब, 7 महीने के बीच सरकार ने 3री बार पोर्टफोलियो चेंज किए ने, जेल मंत्रालय लेट हुई है, कार्रवाई लेट हुई है, उदों ही करनी चाहिए सी। हुण इन्हां नूं पता सीगा कि जनता दे विच जिहड़ा इन्हां ने पहले दिनों एक मखोटा बनाया हुआ सी कि असीं जीरो टॉलरेंट हैगी है साडी करप्शन दे उत्ते, पहला बंदा फड़िया, एक को मैसेज दिता कि देखो इन्होंने मंत्री फड़ लिया, वाह वाह बड़ी हुई, पूरे देश दे विच हुई,
वो अजकल मंत्री अज इन्हों की पार्टी के नाल ही है, इन्हों के नाल ही चलता है, इन्हों के सारे कराए विक्रम च भी आता वह सबका मंत्री। दूजा जदों वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई, मैसेजिज आ गए, वो सारा उस दायरे च आ गया, तो असी रौला पाया। आ सत्र भी नहीं बुलाया गया, सैशन इस करके नहीं बुलाया गया कि दोबारे ऑपोजिशन फिर लड़ाई लड़ेगी। पणी साहब दो मंत्री का होर जिक्र कर रहे हैं, प्रताप सिंह बाजवा, कि मंत्री ने सरदार प्रताप सिंह बाजवा साहब ही दस सकते, मैं उस बारे कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं है कि कहे दो मंत्री ने, लेकिन लेट किया गया। और केवल इस्तीफे ना गल नहीं बनेगी, और नहीं नहीं केवल इस्तीफे ना गल नहीं बनेगी। हम इस्तीफे से क्यों खुश है? हमारे बहुत से लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया, बिना सबूत के अंदर कर दिया। आपके पास ना कोई तथ्य है, ना कोई सबूत है, ना कोई गल है, ना बात है। जिन्हें खिलाफ सबूत है फिर और कले इस्तीफे ना गल नहीं चलनी। अगर वाकई जीरो टॉलरेंस है, तुम बिल्कुल तुम कोई ऑफिसर साहबान फड़ रहे हो, चंगी गल है, जो कोई करप्शन करता है फड़ना चाहिए है। लेकिन जो तुम यहोजी जीरो टॉलरेंस की गल करनी है, फिर शरारी करप्शन के मुद्दे पर आया, दैन और मुकदमा दर्ज होकर और इंक्वायरी होनी चाहिए।